Hello friends, I am Nikun Savalia from Keystone Universe of Education. Today's our topic is chapter number 3, matrix, whose plural is matrices. In session 1, we cover introduction, order of matrix, construction of matrix, equality of matrix, addition, subtraction and multiplication of a matrix by a scalar. The first question is, what is application of matrix? The answer is, solve a system of linear equations in computer education. Linear transformation. First topic is introduction of matrix. We learn introduction in some unique ways. Manish and Dennis both are two best friends and both are TikTok stars. तो एक बार दोनों मिले और उन दोनों ने decide किया कि भाई हम दोनों एक video बनाते हैं और TikTok पर upload करते हैं, देखते हैं किसके views और likes ज्यादा आते हैं. तो after 15 days they are see Manish ने जो video upload किया था उसमें Manish के view थे 5000, likes थी 2000 and followers थे 7.1000. और वहीं Dennis के 7000 views थे, likes थे 3000 and followers थे 8.1000. उन ये जो data है उन सबको मैंने एक rectangular way में arrangement किया. तो Manish का जो data था views, likes and followers उसको मैंने first row में रखा और Dennis का जो data था उसको मैंने second row में रखा. तो इस हिसाब से हम डेफिनेशन देने जाए मैट्रिक्स की, तो अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और सिंबल्स और एक्सप्रेशंस अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम. तो मैट्रिक्स क्या है? तो कि नंबर है, फंक्शन है, उसका अरेंजमेंट है किस तरह से, रेक्टेंगुलर वे में और रो एंड कॉलम वाइज. ठीक है, तो सच एरे means कि सच अरेंजमेंट इज enclosed by rectangular bracket और round bracket, but we are used here only rectangular bracket. The numbers और functions are called the elements or the entries. मतलब कि matrix में जो numbers हम insert करते हैं उसको हम यहाँ पर बोलेंगे entries और element of matrix. और इस chapter में ज्यादातर जो elements होंगे वो reals होंगे और जो फंक्शंस होंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे. अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर्स लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स, वाई एंड एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल लेटर. इन अ मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम. तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं. तो ए मैट्रिक्स ए इज 1, 9, -13, 25, -6. तो यहां पर देखने जाओ तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब 1, 9 और -13 है उसको हम फर्स्ट रो बोलेंगे, 25 और -6 है उसको हम सेकंड रो बोलेंगे. और वर्टिकली देखने जाए तो 1, 20, 9, 5, -13 और -6, तो 120 है वो फर्स्ट कॉलम है, 95 है वो सेकंड कॉलम है, -13 और -6 है वो थर्ड कॉलम है. तो इन जनरल देखने जाए हम तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट होगे वो किस टाइप के होगे, ए आई जे टाइप के होगे. तो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, तो ए 1 1, तो वहां पर 1 है वो आई की जगह पर है और सेकंड वाला 1 है वो जे की जगह पर है. तो आई क्या डिनोट करता है, आई इज डिनोट नंबर ऑफ रो एंड जे इज डिनोट नंबर ऑफ कॉलम. तो ए 1 2 मींस व्हाट, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट. ए 1 3 मींस फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट. सिमिलरली इन जनरल ए 1 n मींस फर्स्ट रो एंड nth कॉलम एलिमेंट. तो सिमिलरली देखने जाए तो यहां पर हम m रो लेते हैं, तो ए m 1 इज व्हाट, ए mth रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, mth रो एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट इज ए m 2 एंड ए m n इज mth रो एंड nth कॉलम एलिमेंट. ठीक है, तो इस ये जो पूरा मैट्रिक्स बना है यहां पर ए, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर होगा एम बाय एन. तो वहां पर एम क्या है, नंबर ऑफ रो एंड एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऑलवेज पहले जो होगा वो नंबर ऑफ रो होगा और सेकंड होगा वो नंबर ऑफ कॉलम होगा. तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो के रेक्टेंगल होता है उसका एरिया हम ऑलवेज कैसे लिखते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. मतलब लेंथ है तो उसको हम एज ए रो तरीके से याद रखेंगे और ब्रेथ है तो उसको हम एज ए कॉलम के तौर पर याद रखेंगे. तो ऑर्डर होगा ऑलवेज m बाय n, वेयर m इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ रो एंड n इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ कॉलम. ऑर्डर है m बाय
n. Students, तो order of matrix is m by n. Then what number of elements कितने होंगे? तो m cross n. तो if order of matrix is 4 by 3, then number of elements in matrix is 12. 4 multiply by 3. If order is 5 by 3, then number of element 15. If order is 3 by 2, then number of element is 6. If order is 4 by 2, then number of element is 8. Now we goes reverse. If number of element in matrix is 6, then possible order of matrix are 1 by 6, 6 by 1, 2 by 3, 3 by 2. In sub mein kitne element hoge? 6 element hoge matrix. To 1 by 6 matlab 1 row, 6 column. 6 by 1 matlab 6 row, 1 column. Similarly, next question, if number of element in matrix is 12, then possible order of matrix are 1 by 12, 12 by 1, 2 by 6, 6 by 2, 3 by 4, and 4 by 3. Next, formation of a matrix. One marker question hai. Example, construct a matrix of order 3 by 2 whose elements are determined by Aij equal to I plus j square by 2. तो यहाँ पर order क्या है? 3 by 2 order है. तो A equal to 3 by 2 order है, मतलब number of row is 3 and number of column is 2. तो यहाँ पर कितनी row है? 3 row है और 2 column है. तो element कैसे लिखेंगे? A11, A12. मतलब first row, first column, first row, second column. Similarly, A21, A22, A31 and A32. Now construct by Aij equal to I plus j square by 2. तो A11 क्या होगा यहाँ पर? तो I equal to क्या है? 1 है and j equal to भी 1 है. तो formula क्या है element की? Aij equal to I plus j square by 2. तो I की जगह पर 1 रखेंगे, j की जगह पर 1 रखेंगे. तो 1 plus 1 square by 2 equal to 4 by 2 equal to 2. Similarly, we calculate A12, A21, A22, A31 and A32. ये सब A11 सब calculate होने के बाद इन सब को हम वापिस A में रखेंगे, तो हमें matrix मिलेगा A equal to 2, 9 by 2, 9 by 2, 8, 8, 25 by 2 and उसका order क्या होगा? 3 by 2. Okay students, अभी तक हमने जितना सीखा है उसका homeworks यहाँ पर है, construct a matrix. First, second and third question and fourth question में क्या है? If a matrix has 28 element, what are the possible order it can have? तो 28 element है, तो क्या हो सकते है order? 1 by 28, 28 by 1, वैसे आपको सारे लिखने हैं. And ये जो matrix देके रखा है, इसका order क्या है? इसमें कितने element है? और यहाँ पर जो मैंने लिख के रखा है A23, A31, A12, उस जगह पर, उस प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है, वो भी आपको लिखना है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ मैट्रिसेस. फर्स्ट वन इज कॉलम मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट इज ओनली वन कॉलम. मींस एज फॉर एग्जांपल कि इस टाइप के मैट्रिक्स में कॉलम एक ही होगी बट रो एक से ज्यादा हो सकती है. 1, 2, 3. तो यहाँ पर देखने जाए तो कॉलम एक ही है बट रो कितनी है? 3 रो है. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 by 1. मीन्स फर्स्ट हम क्या लिखते हैं ऑलवेज? नंबर ऑफ रो एंड सेकंड लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम. सेकंड एग्जांपल ले तो 1, 2, A, B. तो यहाँ पर कॉलम एक ही है बट रो कितनी है? 4 है. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 4 by 1. इन जनरल देखने जाए तो कॉलम एक ही है, A1, A2 अप टू, ऐसे नीचे रो बढ़ाते जाए और हम मानो के एम रो लेते हैं, ठीक है, और कॉलम कितनी है? एक ही है. तो जनरल ऑर्डर क्या होगा इसका? एम क्रॉस वन. तो रो एक से ज्यादा हो सकती है और नंबर ऑफ कॉलम कितनी होगी? सिर्फ एक ही होगी. सेकंड वन इज रो मैट्रिक्स. तो आपको ऐसे पता चल गया होगा कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा? एक ही रो होगी. तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो. तो एज फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पर देखने जाओ तो रो कितनी है? एक ही है बट कॉलम कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 5. सेकंड एग्जाम्पल लेने जाए तो A, B, C, D, E, F, G. तो यहाँ पर भी देखो आप रो कितनी है? 1 बट कॉलम
एक दो तीन चार पांच छह और सात, तो वन बाय सेवन, नंबर ऑफ रो एक ही है और कॉलम कितनी है सेवन। तो इन जनरल हम लिखने जाए मैट्रिक्स तो क्या होगा, ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन रखते हैं, एन कॉलम रखते हैं और रो एक ही रखते हैं, तो इसका ऑर्डर होगा वन बाय एन। तो कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वन बाय एन। नेक्स्ट टाइप इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए इज ए आई जे, वेर नंबर ऑफ रो कितनी है एम एंड नंबर ऑफ कॉलम भी कितनी है एम ही है, तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स है उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो एज फॉर एग्जांपल 2 4 1 2, तो यहां पर देखो रो कितनी है दो, कॉलम कितनी है टू, तो इसका ऑर्डर होगा 2 बाय 2। और एक देखते 1 2 3 4 1 -1 2 1 0, तो यहां पर देखो तो नंबर ऑफ रो कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। एक और देखते हैं कि सर क्या 1 बाय 1 मैट्रिक्स नहीं होता है, होता है ना, सिर्फ एक ही एलिमेंट लेते हैं, तो इसमें क्या है देखो रो भी एक कॉलम भी एक, तो इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही बोलेंगे। अब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात की, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ स्पेशल मैट्रिसेस है तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट है उसमें डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स मींस व्हाट, तो कि एटलीस्ट वन ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए आई जे इक्वल टू जीरो इफ आई नॉट इक्वल टू जे। इट मीन्स कि यहां पर देखने जाए 3 बाय 3 मैट्रिक्स, तो यहां पर क्या होगा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, यहां पर ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। डायगोनल मतलब आपके दिमाग में क्या आता है कि भाई स्क्वायर या रेक्टेंगल हो तो उसकी जनरली डायगोनल कितनी होती है दो, एक ए और एक ए दूसरी, बट यहां पर सिर्फ डायगोनल एक ही होगी और वो कौन सी वाली ए, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट किसको बोलेंगे हम कि जिसमें आई और जे इक्वल है वही, आई और जे इक्वल है वही वाले, तो वन वन टू टू थ्री थ्री, ये एक डायगोनल में ही आई और जे इक्वल है, तो इस अकेली डायगोनल है उसको ही डायगोनल बोलेंगे, ये जो है ए थ्री वन ए टू टू ए वन थ्री वाली वो डायगोनल होगी नहीं होगी। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या, तो कि ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री उसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए। इट मीन्स ए आई जे इक्वल टू जीरो If I not equal to j, अगर I और j equal नहीं है कोई element में तो वो zero होगा, और I और j equal है, I और j equal है तो D1, D2, D3 diagonal element है, तो उसमें से कोई एक भी zero नहीं है, कोई एक भी zero नहीं है, तो वैसा जो matrix है उसको हम क्या बोलेंगे, diagonal matrix बोलेंगे, और उसको हम कैसे लिखेंगे DIA और diagonal के जो element है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो एज फॉर एग्जाम्पल हम 1 बाय 1 से स्टार्ट करें तो ये डायगोनल एलिमेंट है 1 बाय 1, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। 2 बाय 2 देखने जाए तो 1 2 0 0, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो है और बाकी सारे जीरो है। 3 बाय 3 देखने जाए तो ये 2 बाय 2 था, 3 बाय 3 देखने जाए तो ए बी सी बाकी जो सारे है वो क्या हो गए जीरो हो गए, तो डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अब डायगोनल के भी दो पार्ट है, एक है स्केलर मैट्रिक्स एक है यूनिट मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या, तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो हो गए तो इक्वल ही हो गए। इट मीन्स यहां पर 1 है तो तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए 1 ही हो गए। तो एज फॉर एग्जाम्पल हम देखने जाए तो √2 है कोई डायगोनल एलिमेंट कोई एक, तो दूसरे दो है वो भी क्या हो गए √2 ही हो गए। तो ये डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स था वो क्या कहलाएगा, अब स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। दूसरी डेफिनेशन है यूनिट मैट्रिक्स की, तो यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, यूनिट मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है बट इन डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट आर व्हाट 1, तो 1 1 एंड 1 है अगर डायगोनल एलिमेंट तो वैसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल आई और ऑर्डर है 3 बाय 3 तो उसको हम I3 से भी डिनोट करेंगे। I1 बोला है, I1 मतलब 1 बाय 1 ऑर्डर, तो वैसा क्या होगा मैट्रिक्स सिर्फ 1,
उसका ऑर्डर क्या, तो कि वन बाई वन, आई टू है तो उसमें टू बाई टू मैट्रिक्स होगा, तो उसके डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ वन और वन, और बाकी दो है वो जीरो होंगे। ठीक है, अब हमने देखना है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नया है, टेक्स्ट बुक में इसकी डेफिनेशन नहीं है, फिर भी हम सिर्फ देख लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दूसरा है वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस व्हाट, तो कि उसमें क्या होगा, इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर एवरी आई ग्रेटर देन जे, इट मींस आई जे से बड़ा है वैसे जितने भी एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। तो यहां पर देखो कि डायगोनल है उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट है, एक दो और जीरो, ए कौन सा एलिमेंट है, ए टू वन, ए थ्री वन, और ए वाला एलिमेंट कौन सा होगा, ए थ्री टू, तो इन सब में देखो आई क्या है, बड़ा है जे से, तो वो क्या हो गए जीरो। तो नीचे अगर ये ट्रायंगुलर जीरो बन रहा है तो उसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या, ए आई जे कब जीरो होगा, जब आई लेस देन जे है तब, इट मीन्स ऊपर देखने जाओ, ए जो एलिमेंट है वो कौन सा है, ए वन टू, ए वन थ्री, और ए वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, ए टू थ्री। तो इसमें क्या है देखो, जे आई से बड़ा है, तो डायगोनल के ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है वो तीनों एलिमेंट जीरो है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नाउ सबका फेवरेट जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। तो इसमें यहां पर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोला है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही जीरो है वैसा नहीं होगा, कोई भी मैट्रिक्स है इसको हम जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल वन बाय वन का लेते हैं तो सिर्फ जीरो, टू बाय टू में भी सारे एलिमेंट जीरो। ये दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने स्क्वायर नहीं लिया है, इसका ऑर्डर क्या है, रो कितनी है, दो, कॉलम कितनी है, तीन, तो इसका ऑर्डर होगा टू बाय थ्री, सारे एलिमेंट क्या है जीरो, तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। इसका नोटेशन क्या होगा, थोड़ा सा डार्क बड़ा वाला ओ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, वन मार्कर क्वेश्चन है। तो देखो पहला डेफिनेशन, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, दो मैट्रिक्स है उसको इक्वल कब बोलेंगे, इफ ऑर्डर आर सेम, कि कोई भी दो मैट्रिक्स है तो मैंने लिया मानो कि ए और बी, तो इन दोनों को इक्वल कब बोल सकते हैं, तो इन दोनों का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए इसको इक्वल रखने के लिए। तो ए मैट्रिक्स है उसका मानो के उसको डिनोट कैसे करते, ए आई जे, इसका ऑर्डर मैंने लिया एम क्रॉस एन, और बी मैट्रिक्स के उसको डिनोट करते हैं बी आई जे, तो इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, एम क्रॉस एन ही होना चाहिए। तो इसको इक्वल कब बोलेंगे, तो देयर करस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब ए वन वन और बी वन वन इक्वल होगा, ए वन टू बी वन टू इक्वल होगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तो यहां पर मैं ले रहा हूं ए बी सी, वन टू थ्री, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, टू बाय थ्री, और दूसरा एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं मानो कि फोर फाइव सिक्स, एक्स वाई और जेड, इसका ऑर्डर भी क्या है, टू क्रॉस थ्री, तो इसके बीच में मैंने इक्वल रखा है, इट मींस कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब हो गए, जब एक तो इसका ऑर्डर इक्वल होगा, और दूसरी बात फर्स्ट एलिमेंट ए है और यहां पर भी फोर है, मतलब ये ए वन वन और ये वाला बी वन वन, वो दोनों इक्वल होना चाहिए, इट मीन इक्वल टू फोर, बी इक्वल टू फाइव, सी इक्वल टू सिक्स, मतलब करस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। नीचे देखने जाओ तो एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू टू एंड जेड इक्वल टू थ्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इक्वालिटी का ही है, एक्स माइनस वाई टू एक्स प्लस जेड, टू एक्स माइनस वाई थ्री जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू माइनस वन फाइव जीरो थर्टीन। तो वी हैव टू फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, अब दोनों को इक्वल रख सकते हैं, तो ऐसा हमने क्या देखा था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर है टू बाई टू और इसका ऑर्डर भी क्या है टू बाई टू, इट मीन्स इक्वालिटी तो हो सकती है। तो कब, उसके करस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, इट मीन्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस वन, टू एक्स प्लस जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए फाइव, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो एंड थ्री जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू थर्टीन। अब
ए बी सी और डी हमारे पास चार इक्वेशन है एंड वी वांट टू फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ए और बी को एलिमिनेट करेंगे यहां से, ए माइनस बी करेंगे. तो देखो बच्चों यहां से एलिमिनेट करने से मुझे क्या मिला, एक्स इक्वल टू वन मिला है. अब एक्स इक्वल टू वन को हम इक्वेशन नंबर ए में रखेंगे वापिस, तो हमें क्या मिलेगा वाई. तो हमारे पास अब एक्स भी है y भी है. अब जो x इक्वल टू वन मिला था उसको हम इक्वेशन नंबर c में रखते हैं 2x प्लस जेड इक्वल टू फाइव में, तो हमें क्या मिलेगी, z की वैल्यू क्या होगी वो 3. और अगर हमारे पास z की वैल्यू मिल जाती है उसको हम इक्वेशन नंबर d में रखेंगे तो हमें मिल जाएगी w की वैल्यू, w इक्वल टू 4. तो हमें इस तरह से क्या मिला, x इक्वल टू वन, y इक्वल टू टू, z इक्वल टू 3 एंड w इक्वल टू 4. नाउ लिटिल होमवर्क फॉर यू स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किस टाइप के है, इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसिस के. आपको जो दिया हुआ है वो अननोन नंबर है ए बी एक्स वाई ए बी सी डी एंड थर्ड क्वेश्चन में एक्स वाई जेड फाइंड करना है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रैक्टिस एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मेट्राइसिस एज वेल एज मल्टीप्लाइंग मेट्राइसिस बाय अ स्केलर नंबर. तो फर्स्ट हम लेते हैं एडिशन ऑफ टू मेट्राइसिस ए एंड बी. अब एडिशन कब डिफाइन होगा, तो ऑर्डर ऑफ बोथ मेट्राइसिस आर इक्वल. तो ए प्लस बी करना है मुझे, क्या करना है, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी करना है. तो वो कब होगा, जब उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर है वो क्या होगे, इक्वल होगे तो ही. तो द सम ऑफ मेट्राइसिस ए एंड बी इज अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ऑब्टेंड बाय एडिंग द करस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी. तो एडिशन किस तरह से डिफाइन होगा, तो एक एग्जांपल से मैं आपको ये डेफिनेशन समझाता हूं. तो ए प्लस बी, तो ए लिया मैंने ए आई जे, उसके एलिमेंट किस टाइप के, ए आई जे, और ऑर्डर क्या है, एम बाय एन. और बी मैट्रिक्स लिया, उसका एलिमेंट किस टाइप के है, बी आई जे, और उसका ऑर्डर क्या है, एम बाय एन. तो देखो बच्चों यहां पर भी ऑर्डर एम बाय एन और यहां पर भी ऑर्डर एम बाय एन, तो ही हमें एडिशन करना है, अदरवाइज एडिशन डिफाइन नहीं होगा. और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, मतलब ए प्लस बी करने से हमें सी मिलेगा, तो उसका उसका ऑर्डर भी क्या होगा, एम बाय एन ही होगा. तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं. तो मैंने लिया यहां पर ए 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो है देखो, 2, कॉलम कितनी है, 3. तो नंबर ऑफ रो इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 3, तो ऑर्डर हुआ 2 बाय 3. एंड इन मैट्रिक्स बी ऑल्सो नंबर ऑफ रो इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3, तो इसका ऑर्डर भी होगा 2 बाय 3. तो इसका एडिशन डिफाइन करेगा, तो ए प्लस बी मैंने यहां पर लिखा है. तो एडिशन कैसे होगा, तो क्या है डेफिनेशन, क्या थी उसकी, करस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर एडिंग. तो मतलब 1 और 10, यहां का a11 यहां का b11 वो एड होगा, मतलब 1 प्लस 10, बाद में 2 किसके साथ, 20 के साथ, इट मीन्स 2 प्लस 20, 3 प्लस 30, करस्पोंडिंग एलिमेंट्स एड हो गए, 4 प्लस 40, 5 प्लस 50 एंड 6 प्लस 60. ठीक है, और इसका एडिशन कर दोगे तो क्या होगा, 1 प्लस 10 इज 11, 20 प्लस 2 इज 22, 33, 44, 55, 66. तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी क्या आया देखो, 2 बाय 3. तो एडिशन कब डिफाइन होगा, एडिशन कब करना है आपको, कि जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है तो ही. और रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी क्या आएगा, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो ही. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, ऑल्सो वन मार्कर. तो एज यू मेट गेस सब्ट्रैक्टिंग वर्क्स मच द सेम वे, जैसे एडिशन होता था वैसे ही सब्ट्रैक्शन होगा. तो के सब्ट्रैक्शन ऐसे तो नहीं होता है, बट रूल्स तो वही रहेंगे कि कब सब्ट्रैक्शन होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तब. बट इसमें क्या करना है, वहां पर करस्पोंडिंग एलिमेंट्स का हम क्या करते थे, एडिशन करते थे, यहां पर करस्पोंडिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहां पर ए दे के रखा है, बी दे के रखा है, तो ए माइनस बी कैसे मिलेगा, तो आपके पास मैट्रिक्स ए है माइनस मैट्रिक्स बी, तो यहां पर करस्पोंडिंग एलिमेंट को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 10 माइनस 1, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, 2, और यहां से भी सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट लेना है,
2 माइनस 3, यहां पर से 5 लिया तो यहां पर से करस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होगा 4, सिमिलरली यहां से 0 लिया तो माइनस 9, 1 माइनस 5, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 5 माइनस 3, 9 माइनस 7, यहां पर ऑर्डर क्या था 3 बाई 3, तो यहां पर भी ऑर्डर क्या होना चाहिए 3 बाई 3 ही होना चाहिए, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी क्या होगा 3 बाई 3 ही होगा, 10 माइनस 1 9, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, 0 माइनस 9 माइनस 9, 1 माइनस 5 इज माइनस 4, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 3 2 एंड 9 माइनस 7 इज ऑल्सो 2 एंड ऑर्डर इज 3 बाय 3। सब्ट्रैक्शन में क्या है, सिर्फ करस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ समथिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, एडिशन की थोड़ी प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। कम्यूटेटिव लो, तो ए प्लस बी करे, हम दो मैट्रिक्स लेते हैं ए और बी, ए प्लस बी करे या बी प्लस ए करे आंसर इक्वल ही होगा। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि तीन मैट्रिक्स लेते हैं, वी हैव ए बी एंड सी मैट्रिक्स, और तीनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए तो ही एडिशन डिफाइन होता है। तो अगर मैंने ए प्लस बी पहले किया और जो नया मैट्रिक्स मिला यहां पर मुझे डी, उसका एडिशन सी के साथ किया, ठीक है, और उसके अलग थोड़ा पहले मैंने बी प्लस सी का एडिशन किया, उसको नाम दिया मैंने ई और इसका एडिशन मैंने ए के साथ किया, तो दोनों का आंसर क्या होगा इक्वल ही होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो इन रियल नंबर वी नो दैट जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स व्हाट, कि हम ऐसा कौन सा नंबर है रियल नंबर में, तो कि जीरो, जीरो को किसी भी में ऐड करो तो आंसर क्या देता है जो नंबर ऐड किया था वही देता है। तो वैसे ही मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है कि जो एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पर काम करेगा, तो वो है जीरो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में उसके सेम जो ऑर्डर है उस मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, मतलब ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर एम बाई एन है, तो m by n ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर फिर से a ही मिलेगा, या जीरो प्लस a, जीरो मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स a करेंगे तो भी आंसर a ही मिलेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो यहां पर हम देखने जाए रियल नंबर में 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो इनवर्स किसको बोलते हैं, तो कि 5 के साथ हमारा ऑपरेशन क्या है एडिशन, तो 5 प्लस ऐसा कौन सा नंबर ले तो हमें आइडेंटिटी मिले, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो मिले, तो 5 प्लस यहां पर हम कैसा कौन सा नंबर ले तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिले जीरो, तो के माइनस 5। तो वैसे ही मैट्रिक्स में ए प्लस ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ले तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिले, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है जीरो मैट्रिक्स है, तो a प्लस अगर माइनस a नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स a लेते हैं तो a प्लस माइनस a हमें क्या मिलेगा जीरो, तो माइनस a को हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ a। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। लेट a बी अ मैट्रिक्स एंड k बी अ स्केलर, देन k a इज अ अनदर मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय द स्केलर के। तो ये डेफिनेशन है वो हम समझते हैं, वहां पर स्केलर क्या है, अ क्वांटिटी दैट इज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। वो हम आगे जब हम स्केलर आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, हम वेक्टर्स अलजेब्रा, तब हम स्केलर के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या है कि इफ ए इक्वल टू 1 2 3, 7 माइनस 5 2, एंड k इक्वल टू 3, देन 3 इंटू ए इक्वल टू वॉट, तो यहां पर स्केलर क्या है 3, मैट्रिक्स क्या है a, ठीक है ना। तो अगर हम रियल नंबर में बात करने जाए तो हम क्या करते हैं 2 इंटू 5 करते हैं तो क्या मिलता है आपको 10 मिलता है, तो क्या करते हो आप 5 प्लस 5 को दो बार ऐड करते हो ना तो क्या मिलता है 10। तो वैसे ही 3 इंटू ए मीन्स वॉट, ए को आपको कितनी बार ऐड करना है 3 टाइम्स ऐड करना है,
तो वैसा हमें नहीं करना है तो मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 7 - 5, 2 को हम 3 बार ऐड करें, उससे अच्छा है कि सारे के सारे जो एलिमेंट है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 को। तो स्केलर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 5 3 जा -15 होगा और 3 2 जा 6 होगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आई आपको बात कि क्या करना है कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को वो नंबर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि के इंटू मैट्रिक्स ए प्लस बी है तो के दोनों के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो के इंटू ए प्लस के इंटू बी, और अगर के प्लस एल इंटू ए है तो के इंटू ए प्लस एल इंटू ए भी हम लिख सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो हमने पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दे के रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके होमवर्क कर सकते हो और आप सेंड भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 marker क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इफ 2x - y = 6 - 6 0 - 4 2 and 1 एंड x + 2y = 3 2 5 - 2 1 and 7, ये दो इक्वेशन आपको दे के रखे है, देन फाइंड x एंड y। तो हमें x मैट्रिक्स एंड y मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखने जाओ तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 में x और y फाइंड करने, दो मैट्रिक्स है तो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर सिर्फ x, और यहाँ पर माइनस वाई है, 2y है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो क्या होगा, 2 into 2x - y = 2 into matrix 6 - 6 0 - 4 2 and 1। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x - 2y, एंड राइट हैंड साइड क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या सीखा है स्टूडेंट, ये जो 2 है वो अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो वैसा ही किया, देखो 12 - 12 0 - 8 4 and 2। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 2 एंड नया इक्वेशन मिला है ए, तो इसको हम एलिमिनेट करें, मतलब 2 प्लस ए करें, इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर ए। तो यहां से क्या होगा, 2y और -2y कैंसिल हो जाएगा। तो वैसा ही हम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऐड करते हैं 2 प्लस ए को, तो x + 2y + 4x - 2y, एंड राइट हैंड साइड भी दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगा। तो 2y कैंसिल, व्हाट वी गेट, 5x = 2। अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इट मींस एडिशन होगा। तो रिविजन करें तो एडिशन कैसे होता है, तो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, इट मींस करस्पोंडिंग एलिमेंट है उसको हमें ऐड करना है। तो ये मैट्रिक्स हमें मिला, अब ये जो 5 है वो यहाँ पर नीचे आएगा, तो x = 15/5 - 10/5, 5/5 - 10/5 and 5/5 and -5/5, व्हाट वी गेट, x = 3 - 2 1 - 2 1 and -1। तो हमें मैट्रिक्स x मिल गया है, इस x को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे और y हमें मिलेगा 0 0 2 0 2 -3। अब आपके लिए होमवर्क शीट है, इफ x - y इज दिस मैट्रिक्स एंड x + y = दिस, यू हैव टू फाइंड x एंड y, तो आपको फिर से एलिमिनेट ही करना है। अब आपके पास a और b दे के रखा है, तो यू हैव टू फाइंड मैट्रिक्स c, 5a + 3b + 2c = 0। तो आपके पास a है, b है, c फाइंड करना है, तो आप c को क्या ले लेंगे, देखो a भी 2x2 मैट्रिक्स है, b भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो एडिशन करना है तो c भी क्या लेना पड़ेगा, 2x2 ही लेना पड़ेगा। तो आप पहले c को क्या अज्यूम करके चलोगे, x y z w, और बाद में आप एलिमिनेट करोगे और सॉल्यूशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। अगर यहां पर मैट्रिक्स x - y (2 - 2) 4x (6) दे के रखा है प्लस दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, तो आपको x एंड y फाइंड करना है। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको xy फाइंड करना है। यहाँ पर x क्या है, स्केलर मल्टीपल की तरह काम कर रहा है, तो x पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर y मल्टीप्लाई होगा, बाद में एडिशन करके आप इक्वेट करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके होमवर्क करना है आपको।
Okay students, in session 1, we cover introduction, order of matrix, construction of matrix, equality of matrix, addition, subtraction and multiplication of matrix and much more sum familiar to all of this topic. In next lecture, we gone ahead in matrix chapter. Thank you so much.